फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने अपनी सिंपल मशीन से ये पीको की है, जो कि काफ़ी बारीक हुई है और इसे करने में दिक्कत भी नहीं हुई है। अगर आप बाज़ार वाली पीको से कंपेयर करें तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाई देगा। ये मैं दो पीको दिखा रही हूँ, ऊपर वाली मैंने की है अपनी सिंपल मशीन से और ये नीचे वाली बाज़ार की है। तो जितनी बारीक ये है उतनी ही ऊपर वाली भी बारीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ मैंने इसे किससे किया है। तो इसके लिए मैंने ये फुट प्रेशर यूज़ किया है, जो कि यहाँ से फोल्ड होता है, कपड़ा यहाँ से फोल्ड होकर अंदर चला जाता है और इसे यूज़ करना बहुत आसान है। इसे मैंने अमेज़न से मंगाया है, 99 रुपीज़ का है ये। और अगर आपको भी लोकल मार्केट से नहीं मिलता है तो आप वहाँ से मंगा सकते हैं। तो ये यहाँ से इस तरह से फोल्ड हुआ हुआ हिस्सा होता है, तो आप देख लीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे हम लगाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये वाला फुट प्रेशर हमें हटाना पड़ेगा, तो स्क्रू को हम थोड़ा लूज़ कर लेंगे। अब इसे हाथ से खोल देंगे और इस फुट प्रेशर को हटाकर यहाँ पे हम ये वाला फुट प्रेशर लगा देंगे। इसी फुट प्रेशर से मैं इंटरलॉक भी करूँगी, जिसे ओवरलॉक भी कहते हैं, तो वो भी करना बहुत आसान है। ये देखिए मैंने इसे कितनी आसानी से लगा भी दिया है। अब बस इसको टाइट कर दूँगी। जिस कपड़े पे हमें पीको करनी है पहले हम उसे सीधा कर लेंगे, तो मैं इसको कट करके सीधा कर दूँगी। और अगर आपको सीधा नहीं करना है, पहले से सीधा है, तो आप जो धागे निकले हुए हैं उनको कट कर देंगे, उसके बाद ही पीको करेंगे। धागा हमें वैसे ही डालना है जैसे हम नॉर्मल डालते हैं, और ना ही हमें स्टिचेस को बड़े या छोटे करने, मीडियम रखना है जैसा हम नॉर्मल सिलाई में रखते हैं। कपड़े का उल्टा वाला हिस्सा ऊपर रखेंगे और कपड़े को इस तरह से रोल करेंगे अंदर की तरफ। और जैसे हम नॉर्मल स्टिच करते हैं वैसे ही इसको स्टिच करेंगे। थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा तो हम दूसरे हाथ से इसको खींच लेंगे। इसी तरह से हम एक हाथ से थोड़ा सा फोल्ड, हल्का सा फोल्ड करते जाएंगे, बाकी तो वो अपने आप ही हो जाएगा, और दूसरे हाथ से इसको ऊपर की तरफ खींचते जाएंगे। तो ऐसा करना मोटर वाली मशीन में पॉसिबल है, और मैंने अपनी इस मशीन में मोटर लगा रखी है, जिसकी मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी कि मोटर कैसे लगाएं। अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मोटर लगाने से हमारे हाथ फ्री हो जाते हैं, हम दोनों हाथों से ही काम कर सकते हैं और हमारा काम जल्दी भी हो जाता है। अभी मैं लाइट कलर के कपड़े से भी आपको करके दिखाऊंगी पीको, ताकि आप ये देख सकें कि कैसे इसमें सिलाई आती है। ये देखिए कितना बारीक बारीक मुड़ गया है और सफाई भी है। तो आप इस तरह से पीको कर सकते हैं। अभी मैं लाइट कलर से आपको करके दिखा देती हूँ, ताकि आप डिफ्रेंस देख सकें। वैसे तो हमारा पीको करने का पर्पज़ यही होता है कि हम किनारों को बारीक बारीक मोड़ पाएँ, और वो काम ये प्रेशर फुट बहुत अच्छे से करता है। इसका बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर लेना। ये मेरे एक व्यूअर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी पीको की वीडियो बनाने के लिए, जो मैंने बना दिए। अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं तो बताना। ये देखिए ये इस तरह से पीको होती है, जो इसकी सिलाई है ना वैसी ही लगती है जैसे हमारी नॉर्मल सिलाई होती है, बाहर की पीको होती है वैसी नहीं लगती। अब मैं आपको इंटरलॉक करके दिखाती हूँ कि आप इंटरलॉक भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर इंटरलॉक ना हो तो जैसे ये धागे निकल रहे हैं ऐसे धागे निकल निकल के कई बार कपड़ा ख़राब भी हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम इंटरलॉक करते हैं, कुछ लोग इसे ओवरलॉक भी कहते हैं। तो पहले हम ये जो धागे निकल रहे हैं इसे काट लेंगे और इंटरलॉक धागे काटने के बाद ये दोनों पल्लों को मैंने पकड़ के हल्का सा फोल्ड कर लिया है। तो जैसे पीको के लिए हल्का सा फोल्ड करके हमने लगाया था
वैसे ही यहाँ पे भी फोल्ड कर लेंगे हल्का सा और स्टिचिंग स्टार्ट कर देंगे। एक हाथ से ऐसे ही फोल्ड कर लूँगी। देखिए कितना बारीक बारीक कपड़ा मुड़ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, यूज़फुल लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल पर अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ऑल पर रखकर। आप कमेंट करके भी बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और अब मैं आपके लिए क्या फ्रिल या ज़िपर वाली वीडियो लेकर आऊँ, तो ये भी मुझे आप कमेंट करके बता देना। ये देखिए कितनी अच्छी स्टिचिंग हुई है, कितना बारीक मुड़ा है, ये इंटरलॉक हो गया है। अब यहाँ से धागे नहीं निकलेंगे, अब हमें बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है इंटरलॉक के लिए या और पीको के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।